तीन दिन में जो लोग भी नियम विपरीत ओयो चला रहे हैं वो सब पे कार्रवाई होगी। अभी तुरंत खाली करो, सील होगा। कि कई घटना हुई कि लड़की को ले जाते हैं और लड़की होटल में सुसाइड कर ले रही है। आपको सीसीटीवी प्रोवाइड कराएगा, कार्ड बना दो। या तो होटल संचालक को बोलिए जिसका पूरा सीसीटीवी का कंट्रोल आपके पास रहेगा। या तो लड़की के साथ मारपीट किया जाता है ओयो के कमरे में बुला के, या तो कॉल गर्ल को बुला के सप्लाई किया जाता है। हमारे होटल में ऐसे गेस्ट आते हैं जो बाहर से एग्जाम देने के लिए आते हैं, जो रुंटा कॉलेज में एग्जाम होता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रो एंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 1-800-309-1616। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही कुछ विधायक अपने अपने पद के लिए आलाकमान तक दौड़ लगाना शुरू कर दिए थे, तो वहीं वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन द्वारा फील्ड पर उतर कर अधिकारियों को डाक धपका लगाकर अनैतिक कार्यों पर भी कार्यवाही लगातार करवा रहे हैं। नमस्कार, मैं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। चुनाव परिणाम आने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने विष्णु देसाई का चेहरा क्लियर कर दिया। सीएम का चेहरा क्लियर होने के बाद सभी विधायकों के अंदर भी कुछ न कुछ लालसा थी कि उनको भी कुछ अच्छा पद मिले, और सब इसी लालसा को लेकर ऊपर तक की दौड़ भी लगा रहे हैं, अपने अपने लीडरों को जी हजूरी भी कर रहे हैं। लेकिन बात आती है काम की, तो काम करते हुए इस समय वैशाली नगर के विधायक रिकेश सेन ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो मौके पर पहुंचकर शहर में हो रही अनैतिक कार्यों पर अंकुश लगाना चाह रहे हैं। वो मौके से ही अधिकारियों को फोन लगाकर कभी गड्ढा भरवा दे रहे हैं तो कभी तुरंत रोड बनवा दे रहे हैं। अधिकारियों को दबाव देकर जनता के हित में काम करवाने का वो लगातार निर्देश दे रहे हैं। आज भिलाई वैशाली नगर विधानसभा में पड़ने वाले कुछ निजी होटल संचालकों पर रिकेश सेन ने गाज गिराई है। गाज ऐसा गिराई है कि ओयो का फ्रेंचाइजी लेकर अपना होटल का संचालन कर रहे थे। होटल संचालन करने के लिए कुछ नियम कानून होते हैं, लाइसेंस लेना पड़ता है, कुछ कागज तैयार करवाना पड़ता है, लेकिन वो सब ओयो होटल संचालक जो है वो अपना होटल अवैध रूप से संचालित कर रहे थे, जिस पर अंकुश लगाते हुए मौके पर पहुँच कर रिकेश सेन ने भिलाई के 2-3 ओयो होटलों पर कार्रवाई करवाई। आप देखिए इस वीडियो में कि रिकेश सेन किस प्रकार से गुस्से में हैं और वो संचालकों को फटकार लगा रहे हैं। दरअसल लंबे समय से मोहल्ले वासियों को शिकायत मिल रही थी कि ओयो होटल के नाम पर घोरक धंधा यहाँ चल रहा है। इसी धंधे को रोकने के लिए रिकेश सेन पूरी प्रशासन के साथ, दल बल के साथ पहुंचे, रजिस्टर भी चेक किया, होटलों को भी देखा और ऐसे चल रहे शहर में गलत कामों पर अंकुश लगाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। आप देखिए कि इस वीडियो में रिकेश सेन का एक अलग ही रूप आपको दिखेगा। जितने रूम लगे हैं सबको खाली भैया, रजिस्टर को जब भी बनाइए सर, उसको नहीं नहीं जब भी बनेगा ना हमको ओपन करना है कौन कौन आया है। हाँ, जब भी जितना बोल रहे उसको जल्दी करो, आपको खाली करो, तुरंत खाली करो, सील होगा। सुपेला ये कौन सा इसमें आ गया, स्मृति नगर थाना, कोई है थाना वाला सुपेला कहाँ है आप है, इनको ना थाने में बैठाओ, FIR दर्ज। देखिए एकदम स्पष्ट है, ओयो जो है आपको कमर्शियल एरिया में होना चाहिए, उसके लिए आपको बिल्डिंग परमिशन, BCC, NOC की आवश्यकता पड़ती है और कमर्शियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जिस प्रकार से आजकल लोग किराए के चक्कर में, जो हमारी जनता है वो 3 कमरे को 4 कमरे को किसी किराएदार को ना दे के ओयो का इस्तेमाल कर रही है। आप देख रहे हैं आवासी कॉलोनी में है, और जो हमारे कॉलोनी के जो बच्चे हैं, बहू बेटियां हैं, वो देखते हैं कि ओयो खुला है तो प्रश्न पूछते हैं छोटे बच्चे, मम्मी ये ओयो होता क्या है? ना मम्मी के पास जवाब है, ना पापा के पास जवाब है। हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, और इसके माध्यम से बीच में अगर आपको ध्यान होगा तो एक ओयो के होटल से 50 से ज़्यादा कॉल गर्ल पकड़ाए थे, तो इसके माध्यम से कॉल गर्ल की सप्लाई हो रही है, और कहीं ना कहीं ये मैसेज वैशाली नगर विधानसभा के लिए अच्छा नहीं जा रहा है। और मैंने पहले भी कहा
सड़क नाली बना देना ही विकास नहीं होता है, सर्वांगीण विकास करना है, हर क्षेत्र में विकास करना है। और ये जो है हमारे क्षेत्र के लिए नासूर बना हुआ था, जिसको आज शुरुआत हो गई है। 3 दिन में जो लोग भी नियम विपरीत ओयो चला रहे हैं वो सब पे कार्रवाई होगी। और कहीं ना कहीं एक नया चीज़ मैंने कहा है, अभी आपके सामने भी मैं चाहूँगा कि आई साहब आएंगे और एडिशनल कमिश्नर साहब आएंगे, जितने हमारे वो हैं ओयो जो लीगल रूप से भी चल रहे हैं उसके बाहर, क्योंकि अभी देखे हैं हम लोग सुपेला थाना के अंतर्गत 50 से ज़्यादा कॉल गर्ल पकड़ाए थे। ये लगातार शिकायत हो रही थी, जैसे अभी माननीय विधायक जी ने बोला भी है, और ये शिकायत उनके तक भी आई थी। तो ये जितने ओयो के हैं और ये ऐसी क्षेत्र में अगर इनके पास पेपर नहीं है तो इनसे पेपर के लिए बोला जा रहा है, और जो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर सील भी करेंगे। अभी पेपर इनके रिहायशी हैं और इनके पास पेपर पर्याप्त नहीं है। ये लगातार शिकायत हो रही थी, जैसे अभी माननीय विधायक जी ने बोला भी है, और ये शिकायत उनके तक भी आई थी। तो ये जितने ओयो के हैं और ये ऐसी क्षेत्र में अगर इनके पास पेपर नहीं है तो इनसे पेपर के लिए बोला जा रहा है, और जो सहयोग नहीं कर रहे हैं तो फिर सील भी करेंगे। अभी पेपर इनके रिहायशी हैं और इनके पास पेपर पर्याप्त नहीं है। आपको सीसीटीवी प्रोवाइड कराएगा या तो होटल संचालक को बोलिए, जिसका पूरा सीसीटीवी का कंट्रोल आपके पास रहेगा। उसके पीछे होता ये है कि कई घटना हुई कि लड़की को ले जाते हैं और लड़की होटल में सुसाइड कर ले रही है, या तो लड़की के साथ मारपीट किया जाता है ओयो के कमरे में बुला के, या तो कॉल गर्ल को बुला के सप्लाई किया जाता है। तो बाहर जो है सीसीटीवी कैमरा जितने भी है जो नियम से भी चला रहे हैं, ताकि हम ये देख सकें कि कौन लड़का लड़की अंदर गए हैं और कौन कॉल गर्ल को सप्लाई कर रहा है, क्या वो नियम के विपरीत तो नहीं है। सार्वजनिक नहीं करना है जब तक वो ना हो, पुलिस अपने संज्ञान में ले। और ये नगर निगम हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सीसीटीवी कैमरा, और होटल संचालक को भी बोलेंगे कि आपको जो है ये काम करना है, आपको कैमरा लगाना है, जिसका पूरा नियंत्रण आपके मोबाइल पर रहेगा वाईफाई के माध्यम से, जिसको आप एट ए टाइम देख सकते हैं। तो ये काम करना हमको बड़ा आवश्यक है, तो ज्वाइंट पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन को ये काम करना है। देखिए, पहले तो मैं नमस्ते बोलता हूँ। ये जो कार्रवाई जो की जा रही है, पहली बात तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, जो इवनिंग स्टार जो होटल हम जो मैं संचालित करता हूँ, इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट जिस प्रकार जैसे कि आप बोलेंगे कि जो एक गुमस्ता लाइसेंस लगता है वो मैं बनवा के इनको पेश कर दिया हूँ, उसके अनुगप्ति लाइसेंस लगता है वो मैंने दिया हुआ है, उसके अलावा जो संपत्ति कर जो कमर्शियल टैक्स पटाते हैं, कमर्शियल टैक्स का मतलब ये होता है जब हम किसी चीज़ को बिजनेस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका संपत्ति कर भी मैंने अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक मैंने इनको शो किया गया है। इनका ये कहना है कि ये जो अभी हम जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस रिहायशी एरिया में है। आप मुझे ये बताइए मैम कि जो भी धंधा आज के डेट में बिज़नेस कर रहे हैं, जो दुकान हो या ठेले ठपारी से लेके एक नॉर्मल चाय का ठेले हो, दुकान हो, जो भी हो, सारे तो रिहायशी एरिया में है। जो होटल हमारा है ये मेन रोड से 50 फीट अंदर है, इसको भी आप रोड में ही बोलेंगे। हमारे होटल में ऐसे गेस्ट आते हैं जो बाहर से एग्ज़ाम देने के लिए आते हैं, जो रुंटा कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, उसके अलावा कुछ गेस्ट बाहर से आते हैं जो यहाँ रुकते हैं। मैं ये नहीं बोलता सर मैम कि यहाँ पे कपल्स नहीं आते, कपल्स भी आते, हर प्रकार के गेस्ट मैम, दुनिया में गेस्ट जो है हर प्रकार के होते हैं। हमारे सारे गेस्ट 18 प्लस होते हैं। उसके अलावा हमने निगम से परमिशन लेके इसको चालू किया गया है। अब निगम का कुछ बदलाव आ गया है कि ये अब ओयो नहीं चलेगा। मैम ओयो एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ना कि कोई इसको एक नॉर्मल स्टेट बोर्ड चला रहा है। कोर्ट में जाएंगे इसको लेके? जी मैम, यदि इनका ये कहना है कि आप ओयो चला ही नहीं सकते, तो मैम ओयो नहीं चला सकते। हमारे इस भिलाई क्षेत्र में 22 से 50 होटल्स हैं। आप ये होटल पावर हाउस में देख लीजिए, ये नेहरू नगर में देख लीजिए, कोहका में देख लीजिए। तो यदि हमारे पे कार्रवाई हो रहा है तो मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि यदि कार्रवाई सिर्फ हमारे पे हो रही है कि सारे पे हो रही है, और सारे पे हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि यदि हमारे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है तो उसके अलावा क्यों ऐसा कार्रवाई किया जा रहा है? 18 प्लस अलाउ करना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, LGBT को अलाउ करना सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इनको कोई पर्सनल आदमी या पर्सनल एक बॉडी क्यों इसको कंट्रोल किया जा रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।